हाई एवरीवन, वेलकम टू माई चैनल रेसिपीज़ एट रैंडम। आज मैं बना रही हूँ ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी स्नैक, वो भी बाजरे से। बड़ी सिंपल सी रेसिपी है और बहुत ही कम इन्ग्रीडियंट्स लगते हैं इसे बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ले लिया है ये बाजरा, अराउंड 250 ग्राम्स बाजरा है। मार्केट में बहुत आसानी से किसी भी ग्रॉसरी स्टोर पर आपको मिल जाएगा। इसे इंग्लिश में पर्ल मिलेट बोलते हैं, मगर ध्यान रखिएगा ये साफ़ होना चाहिए, इसमें कोई मिट्टी, कंकड़ या छिलके वगैरह ना हो। अगर हो तो पहले अच्छे से चुन लीजिएगा। उसके बाद मैंने इसे डाल दिया है एक बड़े बोल में। इसको अच्छे से वॉश करेंगे, तो वॉश करने के लिए अच्छे से उंगलियां डालकर रगड़ रगड़ के वॉश कीजिएगा, जिससे जो मिट्टी के टुकड़े वगैरह हों वो सब अच्छे से निकल जाएँ। मैंने बहुत बढ़िया तरीके से इसे 2 से 3 पानी में अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसे हम भिगा कर रखेंगे रात भर के लिए। जैसे आप छोले और राजमा को भिगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही आपको इसमें पानी डाल देना है और देख लेना है कि पूरा का पूरा बाजरा अच्छे से डूब जाना चाहिए। ये देखिए, जो ऊपर था मैंने उसे वैसे मिक्स कर दिया है, जिसे पूरा का पूरा डूब जाए। और इसे कवर करके छोड़ देंगे हम रात भर के लिए। तो रात भर में बहुत अच्छे से फूल जाएगा और देखेंगे आप थोड़ी क्वांटिटी में भी ज़्यादा हो जाएगा। और ये देखिए, क्वांटिटी में थोड़ा ज़्यादा हो गया है, अच्छे से फूल गया है। और जो ऊपर ये झाग झाग जैसा जो पानी आ रहा है ना, इसको हम फेंक देंगे। एक बार अच्छे से इसको फिर से वॉश कर लेंगे। उसके बाद हमें इसे प्रेशर कुक करना है, तो मैंने इसे डाल दिया है प्रेशर कुकर में। और अब इसमें डाल देंगे पानी। तो पानी कितना रखना है, बहुत ही सिंपल सा आइडिया है। पानी देखिए इतना रखिएगा कि पूरा का पूरा बाजरा डूब जाए और आपकी उंगली का जो पहला फर्स्ट कट होता है ना, जो निशान आपकी उंगली में होता है, बस उतना ही पानी आपको इसमें रखना है। उससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, वरना जानते हैं कुकर में पानी ज़्यादा हो जाता है तो कुकर फेंकने लग जाता है। और मैंने डाल दिया है सॉल्ट, तो करीब आधा छोटा चम्मच मैंने सॉल्ट डाल दिया है। और इसे हमें जैसे छोले राजमा को कुक होने में थोड़ा टाइम लगता है ना, 4 से 5 विसल्स हम दिलाते हैं, तो बिल्कुल वैसे ही इसको आपको भी 4 से 5 विसल्स दिलानी है। उसके बाद इसे छोड़ दीजिएगा, अपने आप इसका प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा। उसके बाद आप खोल कर देखिएगा, इसकी क्वांटिटी भी आपको बिल्कुल डबल लगेगी और ये बिल्कुल अच्छे से फूल चुका होगा, बिल्कुल बढ़िया तरीके से फूल चुका है। आप ऐसे उंगली से दबाकर भी देख लीजिएगा। ऐसे देखिए, नीचे बिल्कुल पानी नहीं है और पूरा का पूरा पानी इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। दबा कर देखिए, बिल्कुल दब रहा है। ये देखिए, बिल्कुल जैसे आप इसे प्रेस करेंगे ना, मैश होने लग जाएगा, बिल्कुल सॉफ्ट। और देखिए, इसमें सॉल्ट मिला हुआ है, तो इस समय आप ऐसे भी खाना चाहें। अगर आप नहीं चाहते हैं इसे फ्राई करना, तो आप ऐसे भी इसे एंजॉय कर सकते हैं। और इसमें और थोड़ा टेस्ट बढ़ाने के लिए इसे हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए मैंने देखिए गार्लिक ले लिया है 3-4 क्लोव्स, अदरक ले ली है, ज़ीरा ले लिया और हरी मिर्च ले ली है। तो हल्का सा डालेंगे इसमें ऑयल। जो लोग गार्लिक नहीं खाते हैं वो गार्लिक अवॉइड कर सकते हैं, इसमें खाली ज़ीरा, अदरक और हरी मिर्च के साथ बना सकते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को ग्राइंड करके डाल दीजिए, या फिर हरी मिर्च को हटा करके आप उसकी जगह लाल मिर्च ऐड कर सकते हैं, या फिर काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल, आप जो भी ऑयल खाते हैं उसे यूज़ कर सकते हैं। और बाजरा के हेल्थ बेनिफिट्स तो आपको पता ही होंगे, बहुत ज़्यादा होते हैं। इतना न्यूट्रिशियस होता है, बहुत ज़्यादा फाइबर होता है इसमें, बहुत सारा प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स तो भर भर के होते हैं इसमें, और इसके अंदर एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज़ तक होती हैं। तो इसे अगर आपको मिले तो आप ज़रूर से अपनी डाइट में शामिल कीजिए। चाहे आप इसकी रोटी बनाइए, चीला बनाइए, पराठा बनाइए, पूरी बनाइए, लेकिन खाइए ज़रूर। और मैंने डाल दिया है आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। और सारी चीज़ों को मैंने ये बस 1 मिनट के लिए हल्का सा भून लिया था कि उसका कच्चापन निकल जाए। उसके बाद हम इसमें बॉइल्ड जो ये बाजरा है इसे ऐड कर देंगे। आराम से धीरे से निकाल करके पूरा बाजरा अच्छे से इसे मिक्स कर लीजिए, जो हल्दी का कलर है ना वो बाजरे के ऊपर आराम से कोट हो जाएगा। धीरे धीरे मिक्स करते जाइए। जब आप इसे हल्का सा भून देते हैं ना, तो इसके अंदर जो थोड़ा सा जो स्टिकीनेस होती है वो भी ख़त्म हो जाती है, काफ़ी खिला खिला सा बन जाता है। और मैंने सॉल्ट टेस्ट करके देखा था, मुझे हल्का सा कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा सॉल्ट और ऐड कर दिया है। आप भी टेस्ट करके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बॉयल करते समय हमने सॉल्ट डाला था, तो अगर आपको कम लगे थोड़ा सा आप ऐड कर लीजिएगा। बिल्कुल मैंने मिनिमम मसालों में बनाया है, बहुत ही टेस्ट में अच्छा लगता है। ऊपर से मैंने फ्रेश धनिया डाल दिया है। और इसे आप सुबह ब्रेकफास्ट पे बनाइए, शाम को टी टाइम के लिए बनाइए, या जो लंच और डिनर के बीच में छोटी मोटी भूख लग जाती है हमको, उसके लिए भी आप बना सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।